भारतीय किसान यूनियन ने सोमवार को भारत बंद का आह्वान किया था। इसका असर बरेली में देखने को नहीं मिला। आपको बता दें कि जिले में दुकानें रोजाना की तरह ही खुली नजर आई। भारतीय किसान यूनियन के लोगों ने सिंधौली चौराहे पर एकत्र होकर बीजेपी की सरकार के खिलाफ नारे लगाए। किसान यूनियन के प्रदर्शन के दौरान देखने वाली बात ये थी कि किसान यूनियन के मुस्लिम कार्यकर्ता हर हर महादेव कर नारे लगा रहे थे और हिंदू कार्यकर्ता अल्लाहु अकबर के नारे लगाते हुए नजर आए। आपको बता दें कि ये नारे इसलिए लगाए जा रहे थे कि कुछ दिनों पहले टिकैत ने अल्लाहु अकबर का नारा लगाकर एक रैली में लगाया था। इसके बाद से उनकी पूरे देश में सोशल मीडिया पर किरकिरी हुई थी, क्योंकि किसी भी मुस्लिम किसान यूनियन के कार्यकर्ता ने हर हर महादेव के नारे नहीं लगाए थे। चौधरी हरविंद सिंह ने बताया कि आज भारतीय किसान यूनियन के द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया है। इसके चलते वो आज सिंधौली चौराहे पर केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि अगर इन तीनों काले कानूनों के कारण बीजेपी की सरकार 2022 में बड़ी हार का सामना करेगी। उन्होंने कहा कि भारतीय किसान यूनियन 2022 में जो पार्टी बीजेपी को चुनाव में हराएगी उसका समर्थन करेगी। साथ ही किसान नेता ने कहा कि वो पूरे गांव में घर घर जाकर बीजेपी सरकार का विरोध करेंगे। एसडीएम कमलेश कुमार सिंह ने बताया कि आज भारतीय किसान यूनियन की तरफ से उनको कृषि कानूनों के खिलाफ प्रधानमंत्री के नाम का ज्ञापन मिला है। उन्होंने बताया कि किसान यूनियन की तरफ से शांति व्यवस्था बनाते हुए ज्ञापन दिया गया है, कहीं कोई रोड जाम और मार्केट बंद नहीं कराई गई है। भारतीय किसान यूनियन की तरफ से आज पूरा भारत बंद का आह्वान किया गया है, जहां पे आज बरेली के मीरगंज कस्बे में आपके यूनियन यहां पे प्रदर्शन कर रही है। क्या कुछ कहना है आपको? प्रदर्शन तो हमारा लगभग 10 महीने का चल रहा है दिल्ली की सड़कों पे, और उसी के अनुरूप जो है आज भी हम जो है इसकी बार बार पुनरावृत्ति करते रहेंगे। संगठन को कानूनों के विरोध में हम जो है प्रदर्शन को बढ़ाते रहेंगे, लोगों को जगाते रहेंगे। यही हमारा एक दायित्व है। जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं हो जाते तब तक जो हमारा ये जो है प्रदर्शन बराबर जारी रहेगा, चाहे गांव की सड़कों पर हो, चाहे हमारे जिले की सड़कों पर हो, चाहे हमारी दिल्ली की सड़कों पर हो, बराबर जारी रहेगा। बीते 10 दिनों में सरकार ने कई बार आपके जो उच्च नेता हैं उनको बुलाया गया था, उसके बाद में बातचीत करी थी। बातचीत क्यों नहीं बन पा रही आपकी सरकार से? बातचीत क्यों नहीं बन पा रही है कि बातचीत सरकार करने का एक मूड ही नहीं है। वो जो है कंडीशन लगा के अगर बात करेगी तो हम कंडीशन की बात करने के मंजूर नहीं है। बात करनी है तो खुले मंच से और खुले रूप से बात करनी चाहिए सरकार को, लेकिन कोई कंडीशन लगा के बात नहीं होती है। जब कंडीशन लगा के बात होगी तो फिर बात का अर्थ क्या है? तो अभी 10 महीने तक अभी सरकार पे कोई भी मतलब जू नहीं रहेगा है, तो उसके बाद में आपका आगे का प्लान क्या है? क्या करेंगे आप अगर सरकार ने ये नहीं माना तो? ऐसा विरोध करेंगे कि सरकार भी याद रखे पहले। आप मीरगंज के सिंधौली चौराहे पे हैं, अभी आपका क्या प्लान रहेगा यहाँ के? फिलहाल अभी हम जो है अगर प्रदर्शन कर रहे हैं इसके आगे भी हम जो है इससे भी और कड़े कदम उठाएंगे, अगर वो सरकार नहीं मानेगी अब तो हम आगे और बरेली में देखा जाता है, जैसे कि बताया है कि भारत बंद में कि दुकानें बंद होंगी, मार्केट बंद होगी, लेकिन उसका मिला जुला असर भी देखने को नहीं मिला। लोग ज़्यादातर अपनी मार्केट खोले हुए हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? लोग अगर आज जागरूकता नहीं है तो उनमें कल जागरूकता आएगी। लोग अपने अधिकारों को पहचानेंगे, ऐसा नहीं है सब अपने में नंबर पर आवेंगे भी, आज नहीं तो कल पहचानेंगे, जरूर पहचानेंगे। तो मिला जुला असर भी नहीं रहा, मतलब इसका कहने का मतलब यह है कि भारत बंद का कोई भी मतलब कुछ चला नहीं यहाँ पे। बहुत अच्छा असर है, बहुत अच्छा असर है। असर तो चुनाव में मालूम पड़ेगा, असर तो चुनाव में मालूम पड़ेगा। अभी क्या है, अभी तो सरकार है, सत्ता है। आपकी यूनियन की तरफ से कहा गया था 2-3 जिलों को छोड़ दिया जाए तो कहीं पे भी भारत बंद का असर नहीं दिख रहा है। ऐसा नहीं, ऐसी बात नहीं, हर जगह असर दिखाई देगा और दे रहा है सर। असर तो आप चुनाव में देखा है। अभी आप 2022 में कितना फर्क पड़ेगा? 2022 में इतना फर्क पड़ेगा, भागना भारी पड़ेगा। अभी तो वोट मांग ले, पब्लिक के बीच में जाए, किसानों के बीच में। तो आप पूरी तरह से राजनीति में उतर आए, आप पूरी तरह से राजनीति में उतर आए। किस पार्टी का, किस पार्टी का, ये समझिए, किस पार्टी का समर्थन करेंगे? हम किसी पार्टी का समर्थन, हम जैसी पार्टी का, बीजेपी को हराएंगे, समर्थन करेंगे। नहीं, बीजेपी को अगर हराएंगे तो दूसरी किस पार्टी को समर्थन करेंगे? हराएगा
जो हराएगा उसका समर्थन करेंगे, किसी पार्टी का पक्ष में नहीं करेगी, हम उसका विरोध करेंगे। अच्छा, बीजेपी का कहना है कि उसने जितने भी काम करे सब निचले स्तर पर करे, सब गरीबों के लिए करे, क्या वो कोई काम नहीं किया, केवल गुमराह करने का काम किया बीजेपी ने, जितना भी है दिखाया है, ज्यादा करा कमल, ज्यादा से ज्यादा पोस्टरों में कट किया है, फर्जी काम ज्यादा हुआ। आपका कहना है कि 2022 में जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे गेहूं है उसमें 50 रुपए का और बोरा बना दिया 125 रुपए का, 150 रुपए का, सरकार ने ये काम किया केवल प्रचार करने का। अभी भी आपने टेक्सटाइल पार्क बरेली का टेक्सटाइल पार्क आपने देखा है, रायपुर जागीर का जो सांसद जी ने गोद लिया है, आप उसको भी तो एक बार देख के आओ, अभी उनका कहना। अच्छा, अभी एक दिन पहले ही, अभी कल की बात है, जो गन्ना का मूल्य जो बढ़ा है उसका कितना असर पड़ेगा किसानों पे? कुछ नहीं पड़ेगा, ये तो डर का है, कोई आसान बना दिया जीवन में 65 रुपए को डीजल था, आज 90 पार हो गया, अभी बेकार है, 65 को डीजल था, आज 90 पार हो गया। आगे की राजनीति क्या रहेगी? आप आगे की राजनीति है कि खुलकर विरोध करेंगे हम, जहाँ भी होगा, जहाँ बीजेपी वाले दिखाई देंगे उनका दम दम खत्म से विरोध करेंगे। 2022 में किसकी आएगी सरकार? किसी की यहाँ हमें कोई फर्क नहीं है, जो बीजेपी को हराएगा, हमें जो बीजेपी को हराएगा उसको वोट देंगे। हम तो खेती करनी है, आज भी करनी है, जो बीजेपी हराएगा उसको वोट देंगे। भारतीय किसान यूनियन की तरफ से मीरगंज में आज आपको ज्ञापन दिया गया है, क्या कुछ कहा गया है उस ज्ञापन पे भारतीय किसान यूनियन की तरफ से? कृषि कानून के संबंध में इन लोगों ने आज जो है, जैसा इनका की भारत बंद का आह्वान है, उसी क्रम में इन लोगों ने आज ज्ञापन दिया गया है यहाँ पे, और इनका ज्ञापन जो इनके मांग पत्र को माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित है वहाँ तक पहुँचवा दिया। सर, भारतीय किसान यूनियन की तरफ से कहा गया है, जो यूनियन की तरफ से गया है, भारत बंद का आह्वान किया गया है, कितना कुछ यहाँ पे बंद का असर दिखाई दिया मीरगंज में? बंद का असर थोड़ा बहुत ही रहा, कोई बहुत ज़्यादा इसका अंतर नहीं रहा, यहाँ किसान काफ़ी सज्जन आदमी है, इन्होंने अपनी बातें बहुत ही अच्छी ढंग से रखी और अपने ज्ञापन को। सर, किसके नाम का ज्ञापन दिया?